भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 3258 किसानों की खरीद के माध्यम से 13,040 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो कि गत वर्षों की खरीद की तुलना में 4 गुना अधिक है। यह जानकारी आज भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र महाप्रबंधक डॉ. राजेश गुलिया ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 3,128 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिसका किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 25.75 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के तहत असाधारण स्थिति में भी यह उपलब्धि हासिल की गई है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य के किसान भाइयों से 13,000 इस बार हमने 4 गुना के करीब खरीद की है, और ये सारा कोविड महामारी की चुनौतियों के मद्देनजर हुआ है। तो इससे जो हमारे हिमाचल के किसान हरियाणा और पंजाब जाते थे अपने, उसमें उनके ईंधन की बचत हुई है, समय की हुई है, और उन्हें प्रॉम्प्ट पेमेंट मिली है, और उनके एफर्ट्स बहुत बचे हैं। तो एक तरह से ये जो सेविंग्स हुई है, नेशनल सेविंग्स हुई है। तो ये चीज़ तो है गेहूं की खरीद के बारे में। तो ये जो भी हमने किया है, ये राज्य सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उनसे हमें हमेशा ही बहुत सहयोग मिला है। और ये जो उपलब्धि है, ये टीम की उपलब्धि है, ये सभी एजेंसियों की मिल के जो है एक उपलब्धि है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान भाइयों को, किसानों के लिए जो उनको सशक्त बनाने के लिए, फाइनेंशियली सुदृढ़ बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो एक सपना देखा है, उसको पूरा करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश और भारतीय खाद्य निगम ने मिलकर किसानों से ये खरीद की है। दूसरा, मैं आपको PMGKY के बारे में बताना चाहूँगा कि PMGKY 3 जो कि मई और जून माह के लिए थी, उसके लिए जो हमारा गेहूं और चावल का आवंटन था वो लगभग 28,644 मीट्रिक टन था, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। इस PMGKY 4 में से 5 जुलाई तक, यानी 4 जुलाई तक, कल तक 5,081 मीट्रिक टन गेहूं और चावल जारी भी किया जा चुका है, और वो उपभोक्ताओं में बंटना भी शुरू हो गया। तो ये कुछ चीजें जो थी जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँ। शिमला से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट।